जो मंडल अध्यक्ष रहे पहले उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। वो कोई ध्यान देना चाहते हैं, सरकार के पास पर्याप्त अधिकारात कुछ पड़ा है, फसल बीमा का भी है, लेकिन गिरदावरी होकर जब तक कंपनियों के पास नहीं पहुंचेगा, कंपनी गिरदावरी करेगा तो उनके हक में ही करेगी। हमें हमारे प्रशासनिक अधिकारी लगा करके 15 दिन में गिरदावरी करा करके लोगों को जो भी उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का उनसे दिलाए तो किसान और लंबी से जिनके जानवर भरे हैं, तो सरकार के पास गौशालाओं का जो खेती बचा है, जितने किसानों को नुकसान हुआ है सरकार तय करने प्रति जानवर के 10,000 करेगी, 20 करेगी, 30 करेगी, वो बिना ब्याज के लोन दे दे और 2 साल की भारतीय जनता पार्टी किसान को भी मदद हो जाए, खड़ा हो जाएगा। और मैंने इनको कहा, अगर लड़ना चाहते हो दिल और दिमाग से लड़ना चाहते हो, संघर्ष करना चाहते हो, तो दिवाली मना लो और उसके बाद आ जाओ, डेरा तंबू लगाएंगे, यही 2% आपका हक आपको दिलाएंगे। राजस्थान में जो ये भाजपा का आक्रोश रैली का कार्यक्रम हुआ, यहाँ के जो क्षेत्रीय पूर्व मंत्री वो नहीं आए क्या? देखो, इसके बारे में तो यहाँ के लोग ज्यादा बता सकते हैं, मुझे तो यहाँ आना था तो मैं आया हूँ। अब मैं सोचता हूँ कल गुलाब चंद कटारे अभी अगर नहीं आएगा तो क्या ये जो यात्रा चल रही है रुकेगी क्या? तो जनता के दुख दुख के लिए तो हमको करना ही पड़ेगा, जो आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी हमको करना ही पड़ेगा। राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस सरकार में इस तरह से चल रहा है, मतलब मतभेद क्या है कि कांग्रेस का प्रारंभ से जिस दिन से आपने सरकार बनी 18 में नवंबर दिसंबर में, तब से लेकर के 36 का आंकड़ा, 6 दिन तो ऊपर नीचे होते रहे दिल्ली में, कभी ट्रेन पे चले जाए फिर वापस बुलाए फिर इधर जाए उधर जाए, चोड़ चोड़ करके सरकार चलाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों का मन मिला नहीं, 36 के आंकड़े के रूप में ही रहे, और इसलिए 2 खेमों में बंट करके 2 होटलों में बंद हुए, उसमें से भी निकल करके आए। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जो नाटक इस समय, क्योंकि ऊपर का नेतृत्व चाहता है कि पायलट को वहाँ का अधिकार दे, पब्लिक के आधार पर दे दिया होगा, पर यह आदमी कभी छोड़ना नहीं चाहता है, कलाकार तो ही है, और इसके कारण से इसने बहाना लिया मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, दोनों पदों में मुझे रखो। और जब उन्होंने कहा नहीं दोनों पदों पे नहीं रह सकते हो, तो उसने अपने नीचे वालों को कहा कि तुम ऐसा करो उस मीटिंग में मत जाओ जहाँ जाकर के प्रस्ताव पास होना है, तो वैसे अपने आप में गिर गया। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उस बारे में आप क्या? देखो, राहुल गांधी जी को भारत जोड़ा किसने? आपके परिवार के मुखियाओं ने जोड़ा है ना, तो जोड़े वो हमको क्यों कर रहे हो? जोड़ो ना, हम तो भारत जोड़ने के लिए तो इतनी जिंदगी भर खपा के बैठे हैं, हम भारत तोड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं। पर तुम्हारे दिमाग में ये लग रहा है कि मैं